सो हेलो वांटेड आर्मी, ओ सॉरी सॉरी, वांटेड आर्मी नहीं, रावण आर्मी भी नहीं, क्योंकि अपने पास सब्सक्राइबर ही नहीं है। और वांटेड आर्मी इतनी ख़तरनाक है कि कुछ दिनों पहले वांटेड भाई को किसी ने कुछ बोला तो भाई उनकी गांड फाड़ दी भाई डीएम में जाके। तो गाइज वांटेड आर्मी नहीं। सो गाइज मैं आ चुका एक टूर्नामेंट गेम प्ले के साथ, जिसमें हम उतरते हैं जार्की। तो जार्की लूट वूट करने के बाद, क्योंकि कोई आता नहीं है, लूट वूट करने के बाद हम जाते हैं शेल्टर के पास। पहले हाँ वो हरे रंग का वेयर हाउस होता था, अब पता नहीं क्या बना दिया, समझ ही नहीं आता भाई, समझ से बाहर है। तो गाइज हमें वहाँ बंदे दिखते हैं, तो देखिए इन्हें कैसे पेल के हैं। दो बड़ी, दो बड़ी। नॉक। पूरा लो। बढ़िया है। कहाँ से? तीन तीन जन लगी लेकर आ सो गाइज यहाँ पर उनके एक बंदे को नॉक फिनिश करने के बाद हमारा एजिल बोलता है कि पुश करना है, तो मैं फ़िल्टर रहता तो मैं बोलता हूँ यस कि कर देते हैं पुश, और मैं बग्गी लेके सीधा पुश इन कर देता हूँ, क्योंकि मैं एंट्री फैगर भी हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बंदे नहीं होते, वो यहाँ से निकल जाते हैं गाड़ी लेकर। कहाँ है बंदा? अरे वो ही जहाँ पर तुम मार रहे थे पहले। अच्छा मतलब इधर कोई नहीं है ना? बस ओके। हाँ फाइव क्या मिस किया भाई? मार्क द लोकेशन। इधर डीपी पड़ी है। उठा रहा हूँ भाई, मेरे फाइव क्या मिस पड़ी है। फाइव क्या मिस है किस बैच का? वॉच आउट। हाँ भाई यहाँ पे जाम इलेक्ट्री है, वो मार्क करा है उधर। भाई मैं उठा रहा हूँ डीपी, सॉरी रावण। सो गाइस यहाँ पर आने के बाद कुछ यूं होता है कि मेरा नेट फक्ड अप हो जाता है और मेरा एक बंदा नोक हो जाता है, ठीक है। तो भाई जब तक नेट ठीक होता है, हम एक विचित्र प्राणी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज वो बंदा बार बार लाइव पे आता है और बोलता है यहाँ पे आ जाओ, कुरुक्षेत्र आ जाओ, एड्रेस देता अपना। तो भाई मेरा एड्रेस ले ले, एड्रेस का भाई फ़ोन ही कर लियो, और एड्रेस लेके भाई तू आ जाइयो, देखते हैं तेरे में भी कितना दम है और हम में भी कितना दम है, ठीक है भाई। सोनीपत गाँव में भाई, जब तेरा दिल करे तब आ जाइयो, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र की धमकी मत दे बहन, जो इलाका कुत्तों का होता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई दिल्ली आके फ़ोन कर दियो भाई, दिल्ली में भी अच्छा स्वागत कर देंगे, ठीक है भाई। तो गाइज यहाँ पर मेरा नेट वापस आ जाता है, और जब तक वापस आता है मेरा एक बंदा फिनिश हो जाता है और एक बंदा नॉक हो जाता है, फिर उसको रिवाइव दिया जाता है। तो इतने में भाई वो ऊपर वाले पुश कर देते हैं। अब आप देखिए नहीं कैसे निपटाते हैं। पीछे भी आ रही है ओपी, बस पीछे गया। अरे ओ भैया जाना, तुम जाना था ना ऊपर। अरे एल्डर ऊपर। सो गाइज वो स्क्वाड फिनिश करने के बाद हम जाते हैं सर्कल, और ये शेक और ये रिज होल्ड कर लेते हैं भाई। बहुत बढ़िया जगह था ये होल्ड करने के लिए। तो गाइज देखिए हम इस जगह को होल्ड कैसे करके रखते हैं। ऑलमोस्ट कहीं से नहीं पड़ेगा, पीछे का देखते रहना। मैं बस वॉच आउट। पीछे से आ रहे वाइट चल रही थी। ओपन है भाई, तो बहुत ओपन है। बेस लेयर गाड़ी आई, लेयर ओवर कमेंट मत कर। मार, अगर तुम्हारा है तो देख लो, मर जाएगा वो। मर गया वो खुद ही। पीजी नॉक आर पार। आ गया ओ भाई, नॉक फिनिश कर दिया। हाँ बोल, स्नाइपिंग सीख ले। मैं ऊपर स्नाइपर।
मैं देख रहा हूँ भाई और आगे कहाँ जा सकता हूँ। गाड़ी ऊपर देख के फिर भाई कहाँ जा सकते हैं हम। ऑलरेड कहाँ जाते हैं बताओ, आईजीएल बता कुछ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो गाइस यहाँ पर ओल्ड एड करने के बाद हम फिर से एक बार और सर्कल की ओर जाते हैं। तो बीच में मेरे को बंदे दिखते हैं, तो भाई बोलता हूँ कि यहाँ बंदे हैं। तो मेरे साथ एक बंदा और होता है स्नैपगोट, तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई तू निकल, मैं यहाँ से तेरे को कवर देता हूँ, तेरे को मार नहीं पाएंगे, तू बग्गी लेके साइड से निकल जा। देखिए मेरे पे आना सीधा, मैं जोन में स्मोक कर रहा हूँ। ये कम बात है भाई, तो गाड़ी पहले से जाना। अबे रुकना है क्या यार, स्मोक स्मोक स्मोक, अरे गाड़ी फोड़ के स्मोक कर। सो गाइस अभी हम पहुंच जाते हैं एंड सर्कल में, जहां 33 अलाइव रहते हैं और फ़ोन की ऐसी तैसी मतलब लैग से पूरा भर जाता है फ़ोन। मैं मतलब क्या बताऊं, आप गेम में देखेंगे शायद थोड़ा बहुत लैग दिख जाए, वैसे दिखता तो है नहीं रिकॉर्डिंग में, लेकिन आप देखना कि बहुत लैग होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा। वो रिवाइव दे रहा है राइट, वो भी पूरा किल कर। मैंने दो एक नॉक किए थे, वो देख वेरी लेफ्ट में कहीं पे था। बैक पर निकालो, देखो जोन में जाना है। सो गाइस यहाँ पर हम स्क्वाड फिनिश कर देते हैं और मेरे तीनों बंदे मर जाते हैं और मैं अकेला रहता हूँ। तो अभी नेक्स्ट सिचुएशन आएगी, उसे देखना मैं कैसे मतलब कैसे उन्हें मारता हूँ। दो बंदे आएंगे तो मैं कैसे मारता हूँ आप देखना, मतलब पूरा पूरा दिमाग का यूज करता हूँ। ड्रॉप कर भाई, एमो की जरूरत नहीं अभी ज्यादा, नेट स्मोक कैरी कर बस। सामने यहाँ पर गाड़ी खड़ी ऑपरेट होने मेरे ख्याल से, आप लगा लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। राइट वाले भी आएगा, गाड़ी आ रही है। अरे वो जोन से बाहर गए हैं, पीछे भी है, देख के उठना मत ध्यान से। तो गाइस यहाँ पर वो सिचुएशन आएगी जिसकी मैं बात कर रहा था, मेरे राइट से दो बंदे भागते हुए आते हैं और मैं उनकी पोजीशन देखने के लिए बैठता हूँ। मैं मारने को पहले ही मार सकता था लेकिन पोजीशन देख के उनको एक ही स्प्रे में ले जाता हूँ। देखो गाइस अगर मैं उन्हें पहले ही मार देता तो शायद उनमें से एक बंदा मुझे मार देता, ठीक है। तो गाइज मैंने वेट किया और उनकी पोजीशन देखी, तब जाकर मैंने फायर किया। मर गया, मर गया। सो गाइज ये लास्ट की फाइट रहती है जहाँ पे सिचुएशन रहती है 3v2v1 की। तो गाइज मैं फ़ाइट लेता ही नहीं हूँ, खाली मैं DP से कुछ शॉट्स फायर करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ करता नहीं हूँ। ये दोनों आपस में लड़के मर जाते हैं। तो गाइज ये तो मरते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं उस बंदे की जिस बंदे की मैं पहले बात कर रहा था। तो वो बंदा बार बार लाइव आता है, मतलब बार बार तो नहीं लेकिन लाइव में आके बोलता है कि भाई लाइव आ जाओ मेरे साथ, लाइव आ जाओ रात के 10 बजे। भाई देख तू होगा वेला घर से अपने, ठीक है, हम वेले नहीं है भाई, हमारी फैमिली है, हमें उनके साथ रहना पड़ता है रात में।
तू भाई घर से बेदखल है, निकाल ला गया भाई, हमें मतलब नहीं है। ठीक है भाई, तू लाइव आ, गाली बक, तेरे तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, अब हमें प्रॉब्लम है भाई। हैं, तू आएगा गाली बकेगा, हमारे घर वाले हैं भाई, हम तो हमारी हमें इज्जत है भाई। ठीक है, हम चुतियापा नहीं करते रात को। तो भाई ये मत बोलियो कि भाई लाइव पे नहीं आते, एम वाले लाइव पे नहीं आते। अरे भोसड़ी के लाइव पे आना ना, देख टाइम डल ले, ठीक है मेरे भाई, उसके बाद देखा कौन लाइव पे आवे और कौन ना आवे लाइव पे। ठीक है, ये तुम यहाँ जो रात को एट ए टाइम किसी वक्त लाइव लाइव आएगा और बोलेगा एम वाले नहीं आते, भाई हमारे घर वाले हैं, तेरे घर वाले हैं नहीं है। ठीक है भाई, तू है बेदखल करता है। उसके पीछे ड्रॉप के पीछे, ड्रॉप के पीछे शायद स्मोक स्मोक। बैकपैक निकाल रावण, नेट कर इन पे, नेट कर। अरे गाड़ी फोड़, गाड़ी फोड़। ये तो क्लच मोमेंट है गाइस। एक बार आपको यहाँ सिचुएशन समझा देता हूँ। यहाँ पर फाइट रहती है 3v1v1 की। तो गाइस यहाँ पर मेरी वेस्ट बहुत डैमेज रहती है, जिसके कारण मैं हैशटैग हम हैशटैग 2 आते हैं, नहीं तो शायद क्या पता चिकन भी हो जाता। लेकिन वो सामने वाला अच्छा भी खेला, मैं उनका एक बंदा नॉक किया और मुझे लगा कि वो तीन बंदे हैं, क्योंकि वो तीन ही बंदे थे तो मुझे लगा कि तीन बंदे हैं। लेकिन मिराइजर बोला कि एक बंदा उनका पहले से ही नॉक्ड है, तो मुझे लगता है कि शायद नहीं है, तो मैं यहीं पे वेट करता हूँ। तो उसके बाद भाई मैं एक स्टन करता हूँ वहाँ पे, तो आइजल बोलता है स्टन करके पुश कर देना। तो गाइज मैं पुश करता हूँ, तो भाई मेरी वेस्ट एकदम मतलब लो रहती है, वो एक गोली मारता है वेस्ट पे और उसका जितनी भी गोली लगती है मैं सीधा मर जाता हूँ। एक ही बचा था।